Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. देखिए आज हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत रोचक, बहुत यू कैन से रेलेवेंट विषय पे, जो कि है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या CAI के नाम से जाना जाता है. देखिए CAI पे मैं पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, पर वो पुराना वीडियो है. उसके बाद कई चीज़ें मुझे खुद इसमें नई पता चली, तो मुझे लगा कि आपसे दोबारा से इसको शेयर करना चाहिए कुछ अपडेट करके. तो कंप्यूटर सहायित अनुदेशन, बहुत इस पर सवाल पूछे जाते हैं आपसे, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है आपसे, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं, मोड्स ऑफ CAI पूछा जाता है, जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी. तो CAI एक अच्छा टॉपिक है जिस पर अच्छे प्रश्न बनते हैं. तो शुरू करते हैं इसको, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से शिक्षा में कंप्यूटर कैसे आ रहा है, तो 1926 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिडनी प्रेसी ने एक मशीन बनाई जिसको कि प्रेसी टेस्टिंग मशीन कहते हैं. इस मशीन के बारे में हम लोगों ने तब भी पढ़ा होगा जब हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा. वन विच टेस्ट्स एज वेल एज टीचर्स, ये जो मशीन थी वो पढ़ाती भी थी और परीक्षण भी करती थी. इन द लेट 1950s, 1950 जब खत्म हो रहा था, तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन आया. PI वॉज कंसिडर्ड टू बी द वेव ऑफ द फ्यूचर. तो ये माना गया कि जो भविष्य है शिक्षा का, वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में निहित है. PI इज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड इन विच द स्टूडेंट इज लेड थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, रेस्पॉन्सेज एंड कन्फर्मेशन ऑफ हिज रेस्पॉन्सेज अंटिल लिटिल बाई लिटिल ही प्रोग्रेसेस फ्रॉम स्मॉल बिट्स ऑफ रिलेटिवली सिंपल नॉलेज टू मोर कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स. ये US सिविल सर्विस कमीशन ने 1971 में इस तरह से डिफाइन किया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक वैसा एक अनुदेशन की वो तरीका है, वो विधि है, जिसमें कि जो विद्यार्थी है उसके सामने आप एक प्रश्नों की सीरीज, प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं, वो प्रतिक्रिया देता है, उसके प्रतिक्रिया को आप कन्फर्म करते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे रिलेटिवली सिंपल नॉलेज से, वो साधारण साधारण ज्ञान से, वो कॉम्प्लेक्स विशिष्ट जटिल ज्ञान, जटिल सिद्धांतों की ओर धीरे धीरे बढ़ता है. ये जो है वो प्रिंसिपल था, ये सिद्धांत था प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का. फिर जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो BF स्किनर की फिलोसफी को फॉलो करता है, मतलब ऑपरेंड कंडीशनिंग मतलब आपको री इन्फोर्समेंट देना जरूरी है. तो दी थियरी बिहाइंड स्किनर्स मशीन वॉज डिस्क्राइब बाई गैने. अब देखिए गैने को भी हम लोग पढ़ते हैं ना, रॉबर्ट गैने, जिनकी हम लोग हायरार्की पढ़ते हैं लर्निंग कंडीशंस में. तो उन्होंने डिफाइन किया स्किनर की फिलॉसफी को, कि वो कह रहे हैं स्किनर्स एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन अज्यूम्स दैट मोटिवेशन मस्ट बी प्रेजेंट. यानी स्किनर की जो अनुदेशन की प्रविधि थी उसमें उन्होंने माना कि अभिप्रेरणा तो बहुत जरूरी है, अभिप्रेरणा के बिना काम नहीं चलेगा. दैट द स्टूडेंट मस्ट मेक अ रिस्पॉन्स, स्टूडेंट को जरूर एक प्रतिक्रिया देनी होगी, एंड दैट दिस रिस्पॉन्स नीड्स टू हैव कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर रीइंफोर्सिंग. और इस प्रतिक्रिया के जो परिणाम आएंगे वो आपको पुनर्बलन उस पर देना है. The increased specificity of Skinner's suggestions center around the principle of stimulus control. और जो स्किनर ने जो सुझाव दिया, जो इनकी स्पेसिफिसिटी थी, विशिष्टता थी, वो किसके इर्द गिर्द घूमती थी, स्टिमुलस कंट्रोल. कि हम स्टिमुलस हम कंट्रोल कर लें कि कौन से स्टिमुलस, तो हम स्टिमुलस उस हिसाब से देंगे तो विद्यार्थी उस हिसाब से प्रतिक्रिया देगा. इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सिस्टम्स वर डेवलप्ड. और इस वक्त कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए. This interaction between computer and student was originally called computer-based instruction. और ये जो interaction हुआ computer और student के बीच में, उसको पहले computer-based instruction का नाम दिया गया था. The original thought behind CAI was that teachers were to be replaced by computers, which contained entire courses of study that were in PI format. ये माना गया था, ये original thought था, ये मूल भूमिका थी CAI के पीछे, कि ये teachers को replace कर देगा और इसमें इसी में पूरा एंटायर कोर्स होगा स्टडी का, और ये PI फॉर्मेट में होगा, ये उस वक्त सोचा गया था. अब कुछ डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. सबसे खास और सबसे जरूरी बात कि हमको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, इंटरैक्टिव मैनर में करना है, मतलब विद्यार्थी और कंप्यूटर के बीच में इंटरैक्शन होगा. वेयर द कंप्यूटर बोथ प्रेजेंट्स मटेरियल टू एंड रिसीव्स, जहाँ पे कंप्यूटर मटेरियल प्रेजेंट भी करेगा और रिसीव भी करेगा, एनालाइज भी करेगा और रिस्पॉन्सेज के ऊपर एक्शन भी लेगा फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस. और हर विद्यार्थी के लिए ये अलग अलग, मतलब एकदम इंडिविजुअल बेसिस पे करेगा, वैयक्तिक रूप से करेगा. और क्या कहा गया कंप्यूटर के लिए CAI के लिए, कि इट इज अ सप्लीमेंट्री क्लासरूम टूल. इसको माना गया कि ये पूरक है, बाद में माना गया कि ठीक है आप टीचर को रिप्लेस नहीं करेंगे लेकिन हम सप्लीमेंट्री की तरह काम करेंगे, जो कि टीचर को हेल्प करेगा जिससे वो अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से
पढ़ा सके. इट इज अ सिस्टम दैट इनेबल्स मैनी स्टूडेंट्स एंड ए सिंगल टीचर टू एंगेज इन ए वन टू वन डायलॉग. बहुत सारे विद्यार्थी हों और सिंगल टीचर हो तो भी अगर वो सी ए आई के थ्रू पढ़ाएगा तो वन टू वन डायलॉग वो सबसे स्थापित कर सकता है यूजिंग ए हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर एज द कम्युनिकेशन मीडियम. अगर वो संप्रेषण के माध्यम के रूप में कोई हाई स्पीड डिजिटल कंप्यूटर ले ले तो ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन बिकम्स अ टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम. क्योंकि कंप्यूटर से आपका जो कम्युनिकेशन होता है टू वे, आपने कुछ फीड किया वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया आप, तो वो टू वे होता है, वो वन वे नहीं होता है. दैट इनेबल्स द टीचर टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड टेलर इंस्ट्रक्शन टू फिट ए स्टूडेंट्स नीड्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थी जो शिक्षक है वो आपकी प्रगति को देख भी रहा है, मॉनिटर कर रहा है उसको. और हम जैसे टेलर ने आपके नाप के हिसाब से कपड़े सिले जाते हैं, वैसे ही एकदम आपकी नाप और आवश्यकता के हिसाब से वो कोर्स बन जाएगा. It accomplishes this mighty task by enabling the instructor to deliver an appropriate instructional move at the precise moment when a particular instruction is needed. और कहा गया कि सिंपली कहा जाए, एकदम सिंपल तरीके में आप कहना चाहें तो क्या कह दीजिए कि वो इंस्ट्रक्शन जो कि असिस्ट किया जा रहा है, जिसमें सहायता ली जा रही है कंप्यूटर की, वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है. अब इसके एडवांटेजेस की ये पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में, उसको अचीवमेंट का सेटिस्फेक्शन मिलता है, परसिवरेंस और प्रोवाइड्स इमीडिएट रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड. उसको तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है, तुरंत उसका इनाम मिलता है और ऑल इन ए नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट. और जो उसको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है उसमें कहीं भी भय के लिए कोई स्थान नहीं है. ये सब रियल बेनिफिट्स हैं सीएआई के और बहुत इंपॉर्टेंट है. द इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन कंप्यूटर एंड स्टूडेंट इज एजुकेशनली एक्साइटिंग. बच्चा एक्साइटेड रहता है सीखने के लिए और उसको मोटिवेशन मिलता है. फिर इसके अलावा इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्यों, क्योंकि ये सेल्फ पेस्ड है, स्टूडेंट अपनी गति से सीखता है. सेव्स इंस्ट्रक्शनल टाइम, उसमें अनुदेशन देने का समय बचता है शिक्षक का. सेफ्टी एंड एक्सपीडियंसी ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई ऐसा आपको वो अनुदेशन देना है कि आपको इसमें आग लगानी है, ज्वालामुखी का फटना है, कुछ इस तरीके का, तो उसमें आप सेफ हैं, बस आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं, दिखा रहे हैं. कीपिंग एबिलिटी इसकी बहुत, रिकॉर्ड कीपिंग एबिलिटी बहुत ही शार्प है ना, कितने ही स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड रख सकता है. इंक्रीज इंस्ट्रक्टर्स इफेक्टिवनेस, इसीलिए जो अनुदेशन करता है, जो शिक्षक है, उसकी प्रभाव पूर्णता बढ़ जाती है और उसी प्रकार से हमारे प्रशिक्षण या शिक्षण की भी क्वालिटी बढ़ जाती है. ये सब तो सभी को पता है, लेकिन फिर से आपके लिए एक बार एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस भी. तो कुछ इसके जो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लाभ हो और हानि ना हो, तो इसकी भी कुछ हानियां हैं आप या कहें चुनौतियां हैं. तो जो डिसएडवांटेजेस है वो कुछ तो है कि आर्ट ऑफ सीएआई, मतलब सीएआई में ही है कि उसके मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन में, और कुछ जो है वो कहीं वो हो गया, मतलब वो था कि इनहेरेंट है. ये दो आ गया ना, सॉफ्टवेयर कोर्सवेयर एंड ट्रेन पर्सनल. ये जो सेकेंड लाइन है वो है, पहला है स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ सीएआई और दूसरा है कि इनहेरेंट इन द डिजाइन ऑफ सीएआई. सीएआई में ही निहित है और कुछ उसके इम्प्लीमेंटेशन में निहित है. तो इम्प्लीमेंटेशन में भाई सीएआई आपको बनाना है तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोर्सवेयर आप बार बार अपडेट करें, उसके लिए ट्रेन पर्सनल होने चाहिए. और जो इनहेरेंट सीएआई की डिजाइन में ही इनहेरेंट कमियां हैं वो क्या है, कॉस्ट. उसमें आ जाएगा आपका सीएआई का सिस्टम कॉस्ट, कैपिटल डेवलपमेंट कॉस्ट एंड कंटिन्यूइंग कॉस्ट. कहने का मतलब ये महंगा अफेयर है ना, कॉस्टली अफेयर है, इसको हर कोई गरीब देश, हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, मतलब हर विद्यालय नहीं अफोर्ड कर सकता. इसके प्रोग्राम की भी डेवलपमेंट की कॉस्ट आती है, सॉफ्टवेयर बनाना है और एक आदमी नहीं टीम पूरी बनाती है ना, तो कोर्स मटेरियल बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसमें ट्रेनिंग एड्स देना और ओवरहेड, इन सब में बहुत खर्चा आता है. कहने का मतलब ये खर्चीला अफेयर है, इसमें यही डिसएडवांटेज है. अगर आप अमीर राष्ट्र है, आप पे कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसे बनाइए, इसको हर कॉलेज विद्यालय इंस्टीट्यूशन में पहुंचाइए, तो निश्चित रूप से ये जो एडवांटेजेस की बात हुई वो इनको फुलफिल करेगा. ठीक है, वैसे सीआई पे एक बार बात हो गई थी पर मुझे लगा कि शायद उसको रिवीजन की जरूरत है, तो मैं फिर से आपसे सीआई का, इसलिए मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस किया. अब वो सवाल जो ज्यादा पूछा जाता है, वैसे शॉर्ट नोट्स भी पूछते हैं सीआई पे, पर मोड्स ऑफ सीआई बहुत पूछते हैं, जैसे कैटेगरीज ऑफ सीआई या मेथोडोलॉजीज ऑफ सीआई, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात होगी. ओके, सो थैंक यू. आई हैव कंप्लीटेड दिस वन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू ऑल.